मुझे विश्वास का सवाल था। विकास जितना हो सका अधिक सरकार विकास के साथ बस संशोधन कर लीजिए आलोक भाई, मैं राजमंत्री नहीं हूँ, मैं प्रवक्ता हूँ समाजवादी पार्टी का। अच्छा मुझे सुनने में होता है, चलिए वो सभी लोग सभी मंत्री मित्रों का बहुत बहुत शुक्रिया। जब चुनाव होता है जनता जीती प्रदेश, हम उत्तर प्रदेश की बात करें क्योंकि डिबेट उत्तर प्रदेश के विकास कर रहे हैं, जनता की अपेक्षाएं ये होती है जब हम चुनाव हुए, जनता जब आपको सरकार बनवाती है, जितनी सरकार जो भी पार्टी जब हमारी सरकार है तो उसकी अपेक्षाएं है कि जो समाजवादी पार्टी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो वादे उत्तर प्रदेश की जनता से किए थे उसको हमें पूरा करना चाहिए, वो उसकी अपेक्षाएं है। अगर हम विकास कर रहे हो, विकास का उद्घाटन कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, शिलान्यास के बाद ही उद्घाटन होता है। अब उस शिलान्यास होता है जब भी कोई भी बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, चाहे वो एक साल में पूरे हो, चाहे डेढ़ साल में पहले हो, पूरे हो, चाहे चुनाव के आचार संहिता लगने से 15 दिन पहले हो, चाहे 5 दिन पहले हो, चाहे 10 दिन पहले, मतलब हमने जो डिलीवर करने का काम किया वो ईमानदारी के साथ किया है। उत्तर प्रदेश में जो विकास का चूंकि वादा किया था, हम उसके कभी इधर उधर गिनने का काम नहीं करते। हमने विकास का वादा किया तो हम विकास देंगे। हमने उत्तर प्रदेश में जो विकास की धारा बहाई है वो एक इतिहास है हिंदुस्तान के, जितने भी हिंदुस्तान के स्टेट हैं, जितने भी राज हैं, आप देखिए किस तरह से कभी भी इलेक्शन मैनिफेस्टो में किसी भी सरकार ने काम नहीं किया, कभी किसी ने काम किया। हमने जो भी वायदा किया उत्तर प्रदेश के 23-24 करोड़ लोगों से वो हमने पूरा किया, चाहे वो किसी भी रूप में किया हो, हमने सब कर दिया। और हम आने वाला जो 2017 का चुनाव है वो भी हम विकास के नाम पर, हम जुमलेबाजी नहीं करते। हम देखिए हम ये देश की जो उत्तर प्रदेश की जनता से किसी तरह का झूठा वादा नहीं करते। मैं आपको बताऊं, आप देखिएगा 2017 में जिस तरह से 2014 में उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 73 सांसद जिताए थे, उसी उससे बुरा हाल भारतीय जनता पार्टी का 2017 में होने जा रहा है। और उसको घटा दीजिए आधे से भी कम पे आ जाएंगे उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी। को पूरा प्यार है और मजबूरियत किसी के
लेकिन अब मैं मुद्दे पे आता हूँ, माहौल होता है। समाजवादी पार्टी जब चुनाव लड़ने के लिए निकली और उसके बाद कुछ दिनों बाद समाजवादी पार्टी के वजीर आजम उत्तर प्रदेश ने ऐलान कर दिया कि 3 साल में हमने अपने सारे काम पूरे किए, हमने बंगाल जो बता रहे हैं गंभीर बात है। उसके बाद वजीर आजम साहब के धीरे धीरे तैयार करते हैं और उसमें धारा निकल के आ गया कि पूरे हो गए बात है काम करने का। लेकिन जब 2016 इस काम की तरफ बढ़ रहा था तो उत्तर प्रदेश ने देखा कि अधूरे हैं वादे और बेताब है लोग ऐसा क्यों हुआ? यह पहली बार हो रहा है कि एक शब्द लोकार्पण है वो लोग को जब योजना समाप्त कर दी जाती है तो उसे लोकार्पण या उद्घाटन कहते हैं। मेट्रो में आज भी अभी नहीं बैठे हैं, 2017 में बैठेगा लोकार्पण होता है। ताज एक्सप्रेस वे पे चलेगा बाद में, लोकार्पण पहले हो गया। फिर बड़ी मासूमियत से समाजवादी पार्टी के बड़े जिम्मेदार अहदेदारों ने कहा कि जब मुख्यमंत्री किसी योजना का उद्घाटन कर देते हैं तो अधिकारी बड़ी तेजी के साथ उस पर काम काम करने लग जाते हैं कि तब चलने का इस तरह की बात के दौरान चर्चा। असल में ऐसा हुआ था इसलिए कि अंग्रेज जी की जो मानसिकता है, जो मनोविज्ञान है, उसको समझना चाहिए। और बड़ी मासूमियत से उन्होंने जो बात कही वो सही कही कि मैंने अपना नाम भी खुद रखा और इसीलिए आज वो अपना नाम पत्थरों पर खुद ही लिखा रहे हैं कि आने वाले सप्ताह उनका नाम लिखा है या नहीं लिखा है। वो इस मनोविज्ञान को जानते हैं कि जब उन्होंने खुद अपना नाम ही रखा था तो उसी मनोविज्ञान के चलते पत्थरों में नाम लिख जाए कि शायद कभी पत्थर भेजे जाए तो मेरा ही नाम हो। लोग भी देखिए कुछ बातें बड़ी क्लियर है। एक बात तो ये कि विकास हुआ या नहीं हुआ, अगर इस पर हम लोग बहस करें तो ज्यादा बेहतर हो, लेकिन जब विकास हुआ है या उसके अधूरे रह गए हैं, ये सारी चीजें हो गई हैं, तो उस पर बहुत ज्यादा चर्चा की जगह पर अगर कमियों को पूरा कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। यहाँ पर अखिलेश यादव के खिलाफ जो बातें कही जा रही है उसमें कहीं ना कहीं सिर्फ ये तो नहीं कहा जा रहा है कि उन्होंने कोई काम पूरा नहीं किया, जो भी कह रहे हैं कि साहब काम अधूरा है उसका लोकार्पण हो गया। अरे भाई आज बात करें कितने कामों का श्रेय भारतीय जनता पार्टी के लिए मिल बैठी हुई, चंद्रयान से लेकर के मंगलयान से लेकर के और पीएस कार्यक्रम से लेकर के सारे कटरा के जम्मू की रेलवे लाइन से लेकर के बीबीटीएल से लेकर के फाइनेंशियल इंक्लूजन से लेकर के आज तक जितने काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन्होंने लोकार्पण किए हैं तो कांग्रेस के जमाने के किए हैं। तो बेहतर होगा भारतीय जनता पार्टी के जो मित्र हैं शायद उसी मानसिकता से रह गए हैं तो अभी भी अच्छे आदमी, लेकिन चूंकि 2014 के बाद सरकारी के चुनाव में बात नहीं आई है Thank you.
रामेश्वर जी बड़े पत्रकार हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मगर थोड़ा सा मुझे तकलीफ हुई कि हम मेट्रो और लखनऊ आगरा एक्सप्रेस नहीं दिखा रहे। हम उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अस्पताल हमने बनाया, जिस तरह से हमने शिक्षा को बढ़ाया, जिस तरह से हमने और पुलों का निर्माण किया, जिस तरह से हमने सड़कों का निर्माण किया, लखनऊ में रिवर फ्रंट का निर्माण, आप इस तरह के निर्माण कैसे करो? आपको बताएं रामेश्वर जी, मैं आपको संबोधित करते हुए बात टेलीविजन के माध्यम से कहूंगा, जिसको करोड़ों लोग सुन रहे हैं। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, जो सिद्धार्थ नगर में पहली बार किसी ने, या पूर्वांचल में दूसरी यूनिवर्सिटी, गोरखपुर बनारस के बाद अगर कोई यूनिवर्सिटी है तो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कितने कम समय में तैयार हुई, और भी 500 करोड़ का प्रोजेक्ट था। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के बनने से वहाँ के लोगों के जो शिक्षा का स्तर है वो कितना ऊपर जाएगा, और उसके बाद वो लोग किस तरह नौकरी पाएंगे, ये आप भी जानते हो क्योंकि आप पूर्वांचल के। बात यहाँ देखिए ये नहीं है, आपके जज्बे की बात है, आपके जो इकबार है उसकी बात है, आपके जो तरीके हैं उसकी बात है। हमने जो वादा किया है, मैं बार बार कहता हूँ इस बात को, मैं ज्यादातर 90% जितने भी चैनलों पर इस तरह की डिबेट होती तो उसमें ये बात कहता हूँ, हमने जो वादा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी जो बात करते हैं वो करते हैं, आपको भी मालूम है क्योंकि आप उनके बहुत करीबी में से रहे हैं, आपको पता है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने जो जो कहा है वो करा है। समाजवादी पार्टी, मैंने बार बार, मैं फिर कह रहा हूँ, हम जुमलेबाजी नहीं करते। मैं आपको जुमलेबाजी क्यों बार बार कहता हूँ वो सुन लीजिए कि जब केंद्र में सरकार बनी, भारत सरकार जब, जिसके नए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनमें भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं श्री नितिन गडकरी साहब, और उसके सरकार बनने के करीब 7-8 महीने बाद उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री शिवपाल सिंह यादव जी गए उनसे मिलने उत्तर प्रदेश के सड़कों के पैसे के लिए, तो उन्होंने घोषणा करी थी कि हम 50,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश को सड़कों के लिए देंगे। आज आप अभी उठा के सर्च करा लो यूट्यूब से या किसी से भी, गूगल से, कहीं से भी, मात्र 12-13 करोड़ रुपया अभी तक आया है केंद्र सरकार का। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जुमलेबाज, हम जुमलेबाज नहीं है, हम काम करते हैं, अपने संसाधनों पर काम करते हैं। जनता के हित को ध्यान रखते हुए, शिक्षा को, स्वास्थ्य के लिए और सड़कों के लिए, पुलों के लिए अगर ईमानदारी से पैसा दे दे तो काम की गति और तेज होगी। समाजवादी पार्टी की बचत को कांग्रेस और कांग्रेस की बचत को समाजवादी पार्टी के बाद अब उत्तर प्रदेश की इबारत पर समझ आती है, और कांग्रेस का ये दल भी समझ में आता है, इसमें कभी कोई दुखाई नहीं है कि भाई गुजरात में जब मैंने गुजरात को छोड़ा था तो सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई मतलब तय कर पाए, बड़ा विकसित राज्य था, कहते थे हमने विकसित कर दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने क्या गोल खींचा, वो सरदार सरोवर परियोजना की ऊंचाई से लेकर सरदार सरोवर बांध को पूरा करने का काम अगर किसी ने किया तो वो नरेंद्र मोदी ने किया, तो कांग्रेस को यह दर्द है कि उसकी योजना, अरे वो योजना आप पूरी नहीं कर पाए, हम तो बिना पॉलिटिकल कलर के उन्हें पूरा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए विकास वो नहीं है जो आपके लिए था कि अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वर्ण चतुर्भुजी योजना शुरू की और सरदार मनमोहन सिंह के राज में उसको जब्त कर दिया गया, क्योंकि पैसा न मिला है न किया है, पैसा देश की जनता को टैक्स के रखा है, बजट ही एक्सपेंडिचर उसी से आता है, तो उसके ऊपर राजनीतिक वर्ग नहीं होना चाहिए। बस छोटी सी बात है, जुमला तो अब एक कन्वीनियंट बात है, जो लोगों को कहना है कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, जब 27 साल बिहार के बाद अखिलेश से विलय करेंगे तो कुछ तो भाई कहना पड़ेगा, जुमला लिखते समय इतनी बढ़िया बढ़िया सड़कें सपा ने बनवाई है, उस पर एक्सीडेंट हो जाएगा तो इतना छूटा लेने में थोड़ा थोड़ा तो करना चाहिए। मैं आपको एक बात बता, उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ बैठे दोनों कैबिनेट और आप स्वयं और राज्य सचिव सबको साक्षी बांध के बैठा, नेशनल हाईवे का जितना एरिया उत्तर प्रदेश के अंदर 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले उत्तर प्रदेश की जनता के अंदर आप
Thank you.
बातें बड़ी स्पष्ट है। देखिए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के संबंधों को समझना पड़ेगा। जो आपने मेनिंजाइटिस की बात की, निश्चित तौर पर सब्जेक्ट है स्वास्थ्य का। हम लोगों की सरकार भी 10 साल रही, हम अपनी बात को भी स्वीकार करते हैं। उससे पहले 6.5 साल अटल जी की सरकार रही। सच्चाई ये है कि मेनिंजाइटिस को लेकर के चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, निश्चित तौर पर इस पर जो है कुछ भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जापानी इंसेफ्लाइटिस से और मेनिंजाइटिस से देश का जो भविष्य है वो मरता है। उसको लेकर के जितनी ठोस योजनाएं बनाई जानी चाहिए, दुर्भाग्य है कि अभी तक केंद्र सरकार वो योजनाएं बनाने में सक्षम नहीं हो रही। हमारे जमाने में हम अपनी बात कर ले तो साहब दो टीके विकसित होने की बात हुई थी, एक टीका विकसित हो पाया था, एक में थोड़ी सी कमी रह गई थी। वर्तमान सरकार किस तरीके से कर रही है तो वह जानना चाहेंगे। एम्स को लेकर के जिस प्रकार की बातें हमारी सरकार के समय शुरू हुई थी, योगी आदित्यनाथ जी 4 बार या 5 बार के सांसद हैं, अमित जी बताएंगे, उनका भी प्रयास था, हमारा भी प्रयास था, बाकी सब लोगों का भी प्रयास रहा होगा। लेकिन निश्चित तौर पर एम्स अभी तक नहीं हुआ, जमीन सरकार के देने के बावजूद। तीसरी बात में जो अमित जी ने बात कही थी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी, अमित जी ने कहा था कि साहब हमने अटल जी की योजना स्वर्ण चतुर्भुज को डंप कर दिया था। तो मैं अमित जी की जानकारी सिर्फ इतना खाली दुरुस्त करना चाह रहा हूँ कि हमने कोई योजना डंप नहीं की थी। स्वर्णिम चतुर्भुज में जिस प्रकार से पर्यावरण पुराने नियमों को लेकर के आपके एक राजनीति के भाड़े के हत्यारे ने जो सुप्रीम कोर्ट में PIS लागू की थी, जिनकी वजह से पर्यावरण क्लियरेंस नहीं मिलती थी, उसका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूँ कि उस शख्स की वजह से सारे के सारे नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट पुलिया या वो सारी चीजें उसकी वजह से हम लोगों ने जो है उसका पर्यावरण क्लियरेंस के लिए नए कानून बनाए, जिसका लाभ वर्तमान सरकार लेकर के उन सड़कों को पूरा कर रही है। तो हर चीज में राजनीति उचित नहीं है। ये जानकारी आपको कहाँ से प्राप्त हुई, मैं तो इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता, मगर पूर्वांचल में जिस तरह का विकास उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, मैंने आपको अभी जो विकास में बताया था, विकास तो पूर्वांचल में आता फिर अलग नहीं आता है। विकास वहाँ पर हमने स्वास्थ्य का किया है, जो कि शिक्षा का किया है, पुलों का किया है, सड़कों का किया है, और सबसे बड़ी चीज अभी आपको बताऊँ, जो बलिया लखनऊ बलिया दिल्ली बलिया दिल्ली हाईवे एक्सप्रेस जो बन रहा है, और उसके बनने के बाद आप देखिएगा जो पूर्वांचल की जो विकास मतलब जो तरक्की की रफ्तार जो धीमी है वो कितनी स्पीड में आएगी। जब बलिया एक्सप्रेस वे बनते हैं या एक्सप्रेस तैयार होता है, आपको भी मालूम है कारोबार बढ़ता है, लोग अपने कारोबार को लेकर दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, दूसरे जिलों में जाते हैं, अपना सामान बेचते हैं, उससे तरक्की बढ़ती है। जब तरक्की बढ़ेगी तो खुशहाली आएगी,
उत्तर प्रदेश सरकार ने हमेशा इस बात का ध्यान रखने की कोशिश करी है कि उत्तर प्रदेश के लोगों के चेहरे पर कैसे खुशहाली लाई जाए, उसमें हम कामयाब होते हैं। विपक्ष क्या करता है क्या नहीं करता उसकी हमें चिंता नहीं रहती, हमारा काम है विकास करना, वो हम कर रहे हैं। देखिए मैंने अभी जैसे कांग्रेस हमारे दोस्त ने कहा कि विकास पर राजनीति कतई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जनता ने हमको चुन के भेजा है, हमको हमने उनसे वादा किया है। और वही बात अभी जैसे भारतीय जनता पार्टी के हमारे दोस्त जो कर रहे थे, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आज के मौजूदा वक्त के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनको सुप्रीम कोर्ट ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कल पार का तबरा किया था, उन्होंने कहा था कि ये तो सब चुनावी जुमलेबाजी थी। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जुमलेबाजी लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे में जब उद्घाटन हुआ था तो उसकी क्या कंडीशन में क्या कमी थी, मैं वो भी जानकारी पूरे प्रदेश की जनता को। एक तो जो मार्किंग होती है वो उसकी कमी थी, जो रोड के नॉर्म्स होते हैं उसकी कमी थी, वो लगभग लगभग कम्प्लीट हो गई, परसों से वो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस चालू हो जाएगा। दूसरी बात लखनऊ मेट्रो की, अभी आपने पहले राउंड में वो सवाल उठाया था, पूरी दुनिया से मैं आप कहीं भी मेट्रो जो बनती है, पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ के हिंदुस्तान की अकेले बात नहीं कर रहा हूँ, मेट्रो बनने के बाद उसका ट्रायल रन होता है कम से कम मिनिमम 90 दिन का, ये सबको मालूम है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। मैंने कहा ये विपक्ष का काम है, विपक्ष कहता है करने दीजिए, हमने इतने कम समय में जो विकास की धारा बाई है ये काबिले तारीफ है। आपने
निश्चित तौर पर और हर नेता को होती है, इसमें कहीं कोई वो नहीं है। सच्चाई ये है कि पूरे देश में जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो शिलान्यास करती हैं, वो अपने कार्यक्रमों का लोकार्पण करें, लेकिन आधा अधूरा न करके अगर पूरा करें तो और भी बेहतर है। ये आपकी बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ कि यहाँ कहीं ना कहीं अपने आप को सामने रख करके अपना नाम लगाने की होड़ तो रहती ही रहती है, इसमें कहीं कोई नहीं। दूसरी बात जो आपने कही ना कि सारा काम समाजवादी पार्टी करने के विकास को भाजपा के लिए और किसी के लिए क्या रखेगा, उसमें बड़ा मैं आपको बता दूँ कि विकास एक सतत प्रक्रिया का हिस्सा है। 1948 से लेकर के 1960 तक जो विकास हुआ वो आज संभव नहीं है, वो 60 तक संभव था, भाखड़ा गंगा डैम बना। आज जो है आज की डेट में डिजिटल क्रांति, अगर राहुल गांधी जी राजीव गांधी जी आए तो वो उस 84 में आई है। उसके बाद अगर आज की डेट में आप ये सोचें कि जब कोई भी बच्चा अपने निश्चित सेवा के गर्भ में नहीं रहेगा, उससे पहले ही आप निकाल देंगे, जिस प्रकार से डिमोनेटाइजेशन के बाद आप कैशलेस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, 36 साल में जो डिजिटलाइजेशन आज की डेट में हुआ है, जिसके बाद आप ये सोच सकते हैं कि क्या कैशलेस इकोनॉमी आ सकती है। उस कैशलेस इकोनॉमी को अगर आप 2 महीने में लाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर ये विकास की उपयुक्त अवधारणा नहीं है, ये कहीं ना कहीं समावेशी विकास की परिकल्पना नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं में से श्यामा प्रसाद मुखर्जी टाइप के दीनदयाल जी लोग एकात्मवाद की बात करते थे, उसकी अवधारणा के मुखालिफ है। आज की डेट में स्वदेशी आंदोलन की अवधारणा के मुखालिफ है भारतीय जनता पार्टी के। हमें पूरी तरीके से विद्वान नेताओं को अपने शीर्षस्थ नेतृत्व को ये समझाना चाहिए कि जो बात आप आज की डेट में डिमोनेटाइजेशन के बारे में कर रहे हैं वो कितनी गलत है, और भारत में जहाँ पर दलित वर्ग हो, आदिवासी वर्ग हो, जहाँ पर उनकी 40% की जो बड़ी जनसंख्या है, जो आज की डेट में अनपढ़ है और जिसके पास मोबाइल हाथ में नहीं है, उन लोगों के लिए आप क्या हो रहे हैं, जहर बोने का काम कर रहे हैं, विकास की अवधारणा की बात आप नहीं कर रहे हैं। ये बात अखिलेश के उद्घाटन के बीच में नोटबंदी का सम्मिश्रण पे बस इतना ही कहना है, पॉलिटिक पैरालिसिस के जो लोग बहुत समय से खाली रहे थे और देखते रहे थे या मजबूर हमें पॉलिटिक पैरालिसिस का आगे कर दिया गया, उनको नरेंद्र मोदी की सरकार का प्रोएक्टिव अप्रोच थोड़ा दिक्कत पैदा कर रहा है, जिससे हमारी उत्साह होती है, हम उससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस सरकार को कम से कम पॉलिसी पैरालिसिस के रूप में बदले जाएगी। हमने जो विकास दर छोड़ी थी 8.4 की, वो हमें बदले में 4.4 की मनमोहन सिंह से मिली थी, हम उसको दोबारा रिवर्ट करना है। इसके लिए देश को आगे बढ़ने के लिए अपना आशीर्वाद और सहयोग कीजिए, जितना निरंतर।
आपने देखा उस हिंदुस्तान की जितना विकास दर है उत्तर प्रदेश के अकेले होते हैं 9 पॉइंट समथिंग विकास दर तो सिर्फ अकेले उत्तर प्रदेश का 7 पॉइंट माफ कीजिएगा 7 पॉइंट समथिंग है। वैसे अकेले तो उत्तर प्रदेश की विकास दर है। उत्तर प्रदेश में मैंने आपको पहले भी कहा, मैं फिर कह रहा हूँ, 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता का सारा सहयोग और आप लोगों का सहयोग सबका मिलेगा तो हम दोबारा सत्ता में आएंगे। बिल्कुल देखिए हम देखिए हम इस बात को लेकर बात करते हैं। अच्छा सवाल आपने उठाया, 2014 के बाद जिस तरह से राइट विंगर्स ने सर उठाया है, राइट विंगर्स मतलब जिस तरह से कट्टरपंथियों ने देश में सर उठाया 2014 के बाद, उसको खत्म करना देश के लिए बहुत जरूरी है। उसके लिए हर सेक्युलर पार्टी को एक रास्ते एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। तुम्हारे फायदों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे जो दावे किताबी है, और तुम्हारी हेल्थ चांदी की तुम्हारे जान सोने के, मगर जो पंडे घर में आज भी फूटी रकाबी है। और रही बात जो सबसे बड़ी बात है, आपसे बता दें अमित जी कि टायर जो होता है शाश्वत होता है, किसी एक दौर का नहीं होता है। टायर की शाश्वत